अच्छा डैंड्रफ हो रही है तो भी उन्होंने अच्छा हाँ डैंड्रफ का बताएं, अभी बहुत डैंड्रफ बहुत ज्यादा इन है, इन लिटरली। अच्छा मेरे बच्चे जो है ना वो तेल, अच्छा बहुत सारे तेल बनते हैं घर में, बनते हैं हर तरह, लेकिन उनके अपने तेल बनते हैं। कैसे? मतलब उसमें क्या, उन्होंने एक अम्मा वाला तेल उठा लिया, जो अम्मा ने तेल बनाया उसमें उसमें तिल का तेल है, उसके अंदर भृंगराज डाला हुआ है, और जो है भृंगराज जो तेल है वो बड़ा जबरदस्त तेल है। अच्छा उसके बाद उसमें मेथी दाना, ये तीन चीजें मेरी घर में बनी हुई होती है। लेकिन उसमें जो है मेरी जो बच्चों के माशाल्लाह बाल बहुत अच्छे हैं, एलोवेरा जेल लाजमी डालेगा, वो बड़ी मेहनत करती है चक्कर में कि उसका जेल निकालेंगी, उसको फेंटेंगी, उसको तेल में डालेंगी और उसके बाद वो लगाएंगी तेल, और स्कैल्प पे लगाएंगे पूरी? नहीं, पूरे स्कैल्प में लगा के, पूरा एंड्स तक लगा के, कम से कम 4 घंटे तेल लगा के, कस के चोटियां बांध के, और फिर उसको वॉश करती है। ये उनका रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर तक लगा रहता है उनको? कम से कम 3 से 4 घंटे। हाँ, इससे पूरी रात नहीं लगाती। हाँ। कि पूरी रात बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये 3 से 4 घंटे मैं नॉर्मली ऑयल देती हूँ कि उसमें आपका भृंगराज बहुत अच्छा है लेकिन एक ठंडा होता है, तो उसके अंदर आप तिल का तेल या सरसों का तेल मिला लें। अच्छा मैंने नोट किया डॉक्टर बिल्किस, आपके बाल भी बहुत अच्छे हैं और आपके आपके तो आप चारों की अच्छे, आपके शॉर्ट रहते हैं लेकिन एक बहुत बॉडी है, अब मोटा बाल है। तो आप लोग भी अपने घर की कहानी सुनाए बालों के उससे लेकर, मैं आप लोगों की स्किन के बारे में बिल्कुल। अच्छा देखिए मेरी मेरे अपने बालों में तेल मुझे जो भी मिल जाता था ना हॉस्टल में, तो ऐसा था मेरी जो इब्तदाई तालीम जो है मैंने हॉस्टल में पढ़ा है ना मैंने, तो वहाँ पे हमारा ऐसा होता था कि हमारी जो ग्रैनी थी वो एवरी ऑल्टरनेट डे ना हमें सरसों का तेल स्कूल से आने के बाद धूप में बिठवाती थी, और सब एक लड़की दूसरी लड़की को दूसरी तीसरी को इस तरह ना लगा, कौन सा तेल होता था? सरसों का तेल। हाँ सरसों का तेल होता था, तो वो जो है ना लगाया जाता था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बाल इतने इतनी मोटी चोटी और ऐसे थे। तो हुआ क्या कि जब मैं इस्लामाबाद गई 2 महीने की छुट्टियों में, तो मेरी कज़न थी रुबीना, वो आई हुई थी, तो बाल धोने के बाद हमें मार्केट जाना था। अब इतना मोटा बाल, अम्मा ने कहा कि जब तक सूखेंगे नहीं तो निकलोगी नहीं, ऐसे ही कहा। उसने क्या किया, स्त्री ली, कैरी इससे सुखा देते। अच्छा कपड़ा रख के लोग करते हैं, आज भी करते हैं लोग ऐसे, लेकिन नहीं उन्होंने कपड़ा रख के नहीं, उस जमाने में तो नहीं होता था। मेरे साथ हुआ क्या, मैं आपको बता, ये स्त्री वाली कहानी जो है रानी मुखर्जी और आमिर खान के जमाने की। हाँ नहीं, उसने क्या किया, स्त्री ली मैं अपने जब मैं मैट्रिक में थी, उसने उठाई स्त्री और मेरे जो गीले बालों में लगा दिए सारे बाल, यूं सारे यहाँ तक, जैसे मैं यूं लेटी थी यहाँ तक। कहाँ है वो? फिर फिर मेरी अम्मा और उनका डंडा और मैं आगे आगे, मैं आगे अम्मा पीछे, और अम्मा ने जो मुझे जो माशाल्लाह जो मेरा, मैं वो अभी ऑन एयर नहीं कर सकती अपनी इतनी तारीफें, फिर जाके मेरे ना डायना कट बाल कटे। फिर मेरे बाल जो है ना, जब मैं हॉस्टल गई सब शॉक्ड, क्या हो गया, मुझे ना मतलब कि बाल इतने मोटे थे ना, तो मुझे ऐसा होता था। और जब मैं मीडिया में भी आई ना, तो मुझे याद है मैं दूसरे किसी उस चैनल पे थी, तो वहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही थी कि मैं इनके बाल नहीं करूँगा, मैं इनके बाल नहीं करूँगा, कि इतना मोटे बाल थे, तुम करो तुम करोगे ना, 1 घंटा लगता है, मैं नहीं करूँगा। वो हाल था मेरा। ओह माय गॉड। लेकिन फिर जैसे बीमारियाँ वगैरह सब होती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ सर्दियों में, ये जो चुकंदर के पत्ते हैं ना, चुकंदर के, इनको इनका रस निकाल के अदरक का जूस डालती हूँ, तिल के तेल के साथ लगाती हूँ, जिंजर ऑयल जो चुकंदर चुकंदर के पत्तों का चुकंदर के पत्तों का रस, यानी आप क्या करती हैं उबलते हुए पानी में इसको डाल देती? नहीं, नहीं नहीं नहीं, जैसे पालक का जूस निकालते हैं, जैसे गाजर का जूस निकालते हैं, इस तरह निकालते। अच्छा जूसर में निकाले, जूसर एक्सट्रैक्टर में निकाले, किसी के पास नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ, सिलबट्टे पे करे, हवन दस्ते पे करे, कपड़े से निचोड़ तो कितना निकलेगा, 1 से 2 चम्मच आराम से निकल आता है, 1 से 2 चम्मच आराम से निकल आता है। और फिर आपने दूसरा क्या कहा, तिल का तेल, तिल का तेल, तिल का तेल वो कितना, और अदरक, मैं घर वालों के लिए बता रही हूँ कि अदरक का रस भी 1-1 चम्मच आप मिला लें, इसी तरह सिल बट्टे पे इसी तरह मिला लें, जिनके बाल ऐसे ना गुच्छों में आ रहे हैं यूं, वो बहुत अच्छे, आप सर के जड़ों में अच्छी तरीके से लगाएं, और जैसे यहाँ से बाल जा रहे हैं, मेरा आजमाया हुआ है, क्योंकि मेरी बेटी अभी मलेशिया से आई है, पूरे इतनी उस पर मेहनत की, यकीन करें सारे बाल खत्म। अब और ये बच्चियां हाथ भी नहीं आती हैं, अम्मा अभी मैं ये कर रही हूँ, अम्मा मैं अभी ये कर रही हूँ, लेकिन मैं सारा के साथ यही कर रही हूँ, अब उसके छोटे छोटे बाल दोबारा निकलना शुरू। अदरक, चुकंदर के पत्तों का अर्क,
तिल का तेल, तिल का तीनों चीजें स्कैल्प में पूरे टिप पे लगाने की जरूरत नहीं, हाँ। पूरा अच्छी तरीके से आप हाँ। लगाएं, उसके बाद आप है ना हॉट स्टीम करें, जरूरी है आप एवरी ऑल्टरनेट डे करें, सर्दियाँ हैं रोज करना चाहे रोज करें, और फिर क्या करें इनको सुखा लें, जैसे हम लोग मेथी सुखा लेते हैं, कसूरी मेथी सर इनके चॉप करके सुखा के रख लें, तो आपका मतलब पूरा साल चल जाएगा। अब तो इस पर रिसर्च भी हो गई है कि गंजपन पे बाल ले आ रहे जबरदस्त। अच्छा, अच्छा निधा, ये सारी माओ का अलग अलग तरीका होता है आपका क्या लगाने का? मेरी अम्मी जो है, हम जब छोटे थे मेरे बाल भी बहुत ज्यादा, अब तो थोड़े कम हो गए, घने बहुत ज्यादा थे, बड़े थे, तो वो ये करती थी कि हफ्ते में दो दफा, अब हम कहते हैं ना हफ्ते में दो दफा तेल लगाएं, लेकिन वो उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन उनका एक तजर्बा एक था कि वो पढ़ी लिखी तो इतनी थी नहीं जैसे हम इतने रिसर्च करते हैं, तो वो क्या करती कि मुझे मेरी बहन को धूप में बिठाकर, स्पेशली उनका होता था कि तेल जो है ना वो घर के अंदर नहीं लगाना, वो धूप में बिठा के लगाना है। मैंने कभी नहीं देखा, मैं इतनी बड़ी हुई जब तक अम्मी तेल लगाती थी, कि हमें कमरे में इन्होंने सहन में बिठा देती थी, हमारा खुला सा बड़ा सा घर था, बाहर बिठा दिया गार्डन के पास, और खूब उन्होंने मसाज किया, खूब हाथों से मसाज, हम चीखते थे ना उस वक्त हाँ। और फिर मेरी अम्मी क्या करती थी, चोटियां बनाती थी बालों में, आजकल कोई चोटी नहीं बनाता, आजकल कहते हैं तेल लगाओ तो ज्यादा बांधना नहीं चाहिए, टाइट नहीं चाहिए, और लेकिन पुराने जितने भी लोग बड़े बड़े बालों वाले हैं सबने कहा हमने खींच के यहाँ से नहीं, यूं ऊपर हो जाता था, इतनी चीखते थे, मेरी अम्मी समझती नहीं, कहते बड़े बाल हो गए, मैं कहती हूँ दर्द होता है, लेकिन वाकई बड़े बाल होते थे, और जब मैं कहीं जाऊँ ना तो पहले तो हम इतने, आजकल तो इतने ब्रांडेड शैम्पूज वगैरह यूज करते हैं, पहले तो जो आया वो हमने यूज कर लिया, जो घर में लाके दिया, तो सब मुझे पूछते थे क्या क्या करती हो तुम, क्या करती हो, उस वक्त इतना सेंस नहीं था कि मैं बताऊं, और आपकी जो मम्मी तेल लगाती थी वो कौन सा होता था? वो सरसों का तेल लगा, लेकिन सरसों नहीं, वो सरसों के अंदर मेथी दाना मिलाती थी, इसको पकाती थी, और मेरी ड्यूटी लगाती थी या मेरी बहन की, इसको देखो इसमें उबाल आ जाए ना तब इसको बंद कर देना, वो तो रख के चली जाती थी, फिर जब उबाल आ जाए ना फिर उस तेल को ठंडा कमरे में नहीं करती थी, वो धूप में करती थी, वो कहती थी कि धूप में उसको दिखाए ना अपने बाल आगे करें, सबको याद दिलाओ, बहुत अच्छे हैं, मतलब अब जब तो जब आप शोबिज में आएंगे, बहुत ज्यादा मेरे बहुत ज्यादा अच्छे बाल थे, तो मुझे ना ये चीज बहुत अच्छी, पहले समझ नहीं आती थी, गुस्सा अम्मी के ऊपर गुस्सा आता है ना कि ये क्या बिठा दिया, इतना मसाज कर रही है, ये कर रही है, लेकिन अब सारे डॉक्टर्स भी ये कहते हैं।